भगवान रामर विरुद्धे शिवक थियो कराइछे कांग्रेसे। छत्तीसगढ़ जांगीर चम्पा लोकसभा समष्टिर कांग्रेस पार्टीर नाम शिव कुमार। निर्वाचनी प्रचार चलाबलै कय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे शिव कुमारक रामर विरुद्धे थियो कराय। रामक प्रत्युत्तर दिब शिवय। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। और ये समग्र घटनार पछते छत्तीसगढ़ व्यापक प्रतिक्रिया सृष्टि हुई। यार समान्तरल भावे राम मंदिर को समालोचना करे मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक घटनार पछते इतना बीजेपी उभति धरीछे कांग्रेसक। जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवा जो है वो राम के खिलाफ लड़ेंगे, क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं? खड़गे जी के पहले भी शब्द है कि मोदी जीतेगा तो सनातन आ जाएगा, इनके साथी कहते हैं सनातन समाप्त कर दो, इनके बेटे कहते हैं सनातन बीमारी है। तो ये जो सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, वो आज फिर से नजर आए। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। भगवान रामर विरुद्धे शिवक थियो कराइछे कांग्रेसे। छत्तीसगढ़ जांगीर चम्पा लोकसभा समष्टिर कांग्रेस पार्टीर नाम शिव कुमार। निर्वाचनी प्रचार चलाबलै कय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे शिव कुमारक रामर विरुद्धे थियो कराय। रामक प्रत्युत्तर दिब शिवय। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। और ये समग्र घटनार पछते छत्तीसगढ़ व्यापक प्रतिक्रिया सृष्टि हुई। यार समान्तरल भावे राम मंदिर को समालोचना करे मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये घटनार पछते इतना बीजेपी उभति धरीछे कांग्रेसक। जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवा जो है वो राम के खिलाफ लड़ेंगे, क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं? खड़गे जी के पहले भी शब्द है कि मोदी जीतेगा तो सनातन आ जाएगा, इनके साथी कहते हैं सनातन समाप्त कर दो, इनके बेटे कहते हैं सनातन बीमारी है। तो ये जो सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, वो आज फिर से नजर आए। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।